दोस्तों आप सभी को मेरे राम राम, नमस्ते। और साथियों, मैं अरविंद सैनी अपने YouTube चैनल ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम इसी कड़ी में आए हैं चुलकाना धाम। चूँकि हमने आपको बताया था कि हमें अलग अलग जगह और अलग अलग धामों पर जाना अच्छा लगता है, उसी के माध्यम से हम आपको आज चुलकाना धाम पर लेकर आए हैं। और चुलकाना धाम अपने आप में प्रसिद्ध है साथियों। और क्यों प्रसिद्ध है और कैसे प्रसिद्ध है, इस बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं साथियों। साथियों, चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में संभालका कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित चुलकाना गांव में है, जो अब चुलकाना धाम से प्रसिद्ध है। साथियों, यही वह स्थान है जहाँ बाबा ने शीश का दान दिया था। आप सभी जानते हों बाबा और शीश का दान, यानी कि खाटू श्याम बाबा ने यहाँ पर शीश का दान दिया था। तो साथियों, चुलकाना धाम सर्वोत्तम स्थान माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध सीधे महाभारत से जुड़ा है, और ऐसा कहा जाता है कि पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कमटकंटा के साथ हुआ था। इनका पुत्र बर्बरीक था। बर्बरीक को महादेव एवं विजय देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्हीं की आराधना से बर्बरीक को 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिससे वह सृष्टि तक का संहार कर सकता था। साथियों, बर्बरीक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध को जीत नहीं सकते, इसलिए पुत्र की वीरता को देखकर माता ने बर्बरीक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का साथ देना है। मातृभक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार कर लिया, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। साथियों, माता की आज्ञा लेकर जब बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े, युद्ध में पहुंचते ही उनके विशाल रूप को देखकर जो सैनिक युद्ध कर रहे थे वे सब डर गए। और तभी श्री कृष्ण ने उनका परिचय जाना, और परिचय जानने के बाद पांडवों को आने के लिए कहा। अच्छा साथियों, इस विषय में एक और ये बात और प्रचलित है कि श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे, और बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और साथियों देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं चुलकाना धाम, और ये चुलकाना धाम का एंट्री पॉइंट है। और आज रविवार का दिन होने के कारण काफ़ी संख्या में भक्तगण आए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ धाम पर देखने को मिली है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और हम भी अब लाइन में चल दिए हैं साथियों। तो साथियों, जैसा मैं बता रहा था, श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि जो मैं मांगू आप उसे दे सकते हो। तो बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर दूंगा। तो श्री कृष्ण ने, जो कि ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश का दान मांगा। अब बर्बरीक ने कहा कि शीश का दान तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्राह्मण तो कभी शीश का दान मांगते ही नहीं, तो आप कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दे। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप उन्हें दिखाया। तब बर्बरीक जी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए, और इस पूरी पृथ्वी पर 3 ही महाबली हैं, एक मैं, अर्जुन और तीसरे तुम। अब चूंकि तुम जो है पांडव कुल से हो, तो इसीलिए तुम्हारी बलि सर्वश्रेष्ठ है। तब बर्बरीक ने सभी देवी देवताओं को नमन किया और अपनी माता का वंदन किया, और एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण जी को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने उनका शीश अपने हाथ में रखकर उनका शीश को अपने हाथ में रखकर उसको अमृत से सींच कर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया, जहाँ से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। और यही वो धाम है जहाँ पर इनका
सिर रखा गया था। और साथियों देख सकते हैं आप, ये जो पीपल का वृक्ष है ना साथियों, इस वृक्ष के पत्तों में अभी भी छेद है। कहा जाता है कि ये वही पेड़ है जिसपे बर्बरीक ने बाण चलाया था। तो साथियों आप देख सकते हैं कितना रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम मंदिर के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। चूँकि साथियों आज हमें बताया गया कि आज रविवार होने के कारण और गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण आज बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं, और हम भी इसी प्रक्रिया में आज जो है बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं सामने बाबा जी की मूर्ति, खाटू श्याम बाबा की मूर्ति रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये प्राचीन सिद्ध श्री श्याम प्रभु जी मंदिर है चुलकाना धाम का, जो पानीपत वालों के सहयोग से बना है। साथियों मैंने आपसे पहले भी बोला था और आज फिर से कहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों हमें आपके पूरे सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों, कि इसी तरह हम आपको नई नई वीडियो और नई नई जगह पर हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से वहाँ का दृश्य आपको दिखा सकें। तो साथियों इसीलिए आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। और आप देख सकते हैं बाबा की मूर्ति, खाटू श्याम बाबा की, साथ में श्री कृष्ण जी की, और बड़ा ही सुंदर धाम है बाबा का धाम। चुलकाना धाम का अपने अलग ही महत्व है, अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर बाबा ने अपने शीश का दान दिया था, और शीश का दान देने के बाद इसी ऊंचे टीले पर उनका शीश रखा गया था, जिससे कि मैं पूरे महाभारत युद्ध को देख सकें। तो साथियों आप भी बाबा के दर्शन करने के लिए ज़रूर पधारें यहाँ पर कभी ना कभी, यहाँ पर मन की मुराद पूरी होती है। साथियों मिलते हैं फिर से नई जगह और नई वीडियो में।